अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि परीक्षा के पूर्व हमें क्या रणनीति बनानी है, कैसे क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले आपके हाथ में आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, और आप यदि बीटीसी बीएड या शिक्षा मित्र हैं तो आपके पास किसी भी सेमेस्टर की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। यदि अंक पत्र, यदि आपके पास अंक पत्र नहीं है, अगर आप फोर्थ सेमेस्टर या अपेरिंग में है, तो इंटरनेट द्वारा प्रिंट आउट निकालने के बाद किसी भी आप डायट या अपने विद्यालय से प्रचार से आप मोहर करा के, मोहर लगा के साइन करा के उसे अटेस्ट करा लेंगे। और साथ में जो आवेदन करते समय जिस आवेदन फॉर्म में आपने जिस पहचान पत्र आईडी प्रूफ का जिक्र किया था, उस आईडी प्रूफ को अपने साथ रखेंगे। और बहुत सारे साथी ऐसे कह रहे हैं, सर मैंने वोटर आईडी उपयोग किया था और उस वोटर आईडी में जन्मतिथि गलत था। अगर कोई भी प्रकार की यदि आपके प्रवेश पत्र में और जो आपने आईडी लगाई थी उसमें अगर कोई भी समस्या है, तो आप अपने साथ एक अतिरिक्त आईडी और लेकर जाइएगा, और प्रयास करिएगा आप अपने साथ दो आईडी लेकर जाइएगा। यदि आपके प्रवेश पत्र में फोटो साफ नहीं मुद्रित हुआ है, तो आप अपने साथ दो फोटो भी लेकर साथ जाइएगा, और यह ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाइएगा, और पेन ये दो लेकर जाइएगा, और आप एक घड़ी लेकर जाइएगा जिससे आप टाइम से आप पेपर कर सके और टाइम से अपने आप को बांध के रख सके। साथ में एक बोतल पानी रखिएगा और प्रयास करिएगा उसमें गोल्डकोंडी एचओआरएस का घोल मिलाकर रखिएगा। हो सकता है आप प्रेशर की वजह से हमारी तबीयत में कोई दिक्कत हो, हम उसका इस्तेमाल कर सके। और परीक्षा आप समय से आधे घंटे पूर्व पहुंचेगा, प्रयास करिएगा 45 मिनट से एक घंटे पूर्व पहुंचेगा। और परीक्षा हॉल में एंट्री करने से पहले, अपने आप को एकदम तरोताजा महसूस कर लीजिएगा। और जब आप परीक्षा कक्ष में बैठिएगा, परीक्षा कक्ष में बैठने के बाद अगल बगल जो होंगे उनसे थोड़ा परिचय कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पीछे और आगे दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे जिसमें वॉइस रिकॉर्ड होगी। इसलिए इस बार परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, और परीक्षा पूरी शांति और ईमानदारी के साथ संपन्न होगी, और उसमें आपका भी योगदान अहम होगा। और आप जैसे ही आपको 10 बजने से 15 मिनट पहले आपको यह OMR शीट मिल जाएगी, OMR शीट को आप पूरी सावधानी के साथ OMR शीट पे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम और बुकलेट सीरीज मिलने के बाद बुकलेट सीरीज और बुकलेट नंबर यहाँ भर दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज भरते समय जो लैंग्वेज आपने फॉर्म भरते समय सबमिट किया था, उस लैंग्वेज को, मतलब द्वितीय जो भाषा है उसको आप चयन करिएगा। उसके बाद एक सिग्नेचर करना होगा, आपको नाम लिखना होगा, और अटेंडेंस शीट आएगी, अटेंडेंस शीट पे आपको साइन करनी है। और आप परीक्षा कक्ष में अपने ही डेस्क पे अपने सीट पर बैठेंगे, जैसे कक्ष में जाएंगे वहां पे जो सिटिंग प्लान है वो सामने दीवार पे सिटिंग प्लान लगा होगा, रोल नंबर मिलाने के बाद आप जिस सीट पर होंगे उस सीट पर जाके बैठ जाइएगा, और वहां पे आपकी सीट पे आपकी बुकलेट आईडी की OMR शीट और वो दोनों आपको उपलब्ध हो जाएगी। और बुकलेट मिलने के बाद इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बुकलेट कहीं से खुला तो नहीं है या कहीं कटा फिटा तो नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन में है तो बुकलेट सील खोलने से पहले आप कक्ष निरीक्षक को बुकलेट वापस कर दीजिएगा। और जो आपको OMR शीट मिलेगी, उत्तर पत्रिका मिलेगी OMR शीट, उसको आप ध्यान से देखिएगा। OMR शीट कहीं से मुड़ा ना हो, कहीं से टेढ़ा ना हो, कहीं से कटा हो, और उस OMR शीट को आप भर लीजिएगा। और कक्ष निरीक्षक की हस्ताक्षर अनिवार्य है, और उस पे किसी भी स्थान पर व्हाइटनर का प्रयोग आपको नहीं करना है। यदि आप व्हाइटनर का प्रयोग करते हैं तो आपकी उत्तर पुस्तिका जो होगी उसका मूल्यांकन नहीं होगा। और एक खंड जैसे आपने पांचवे का बी भर दिया, और गलती से अगर बी और सी दोनों आपने कलर कर दिया तो वह मूल्यांकन में नहीं गिना जाएगा और गलत माना जाएगा। तथा इसलिए आप सभी लोग इस बात का जो है विशेष ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा हाल में क्या करना है, और आप समय देखिएगा, समय के अनुकूल आप प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि वे एक तरफ से पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं फिर कलर करना शुरू करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है यदि एक आधे प्रश्न आपसे गलत हो जाते हैं तो लगातार हम गलती करते हुए चले जाते हैं। इसलिए प्रयास करिएगा 10-5 क्वेश्चन आप करने के बाद उसे कलर करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, इस तरह से आप प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको गणित में समस्या होती है, समय उनका ज्यादा लगता है, तो उस खंड को आप लास्ट में करिएगा, क्योंकि ऐसा न करने से अगर पहले गणित करेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलतियां हो जाएंगी, और उन गलतियों की वजह से आपका समय टूट जाएगा और लास्ट में आपका क्वेश्चन छूट जाएगा और आपका OMR कक्ष निरीक्षक द्वारा जबरदस्ती छीन लिया जाएगा तय समय पूरा होने के बाद। और आप पूरी ईमानदारी से परीक्षा दीजिएगा, पांचों खंड है, पांचों खंड अनिवार्य है, यहाँ से सभी प्रश्न आपको करने हैं और सभी प्रश्न आप करेंगे और सभी के उत्तर आपको देने हैं, सभी के चार विकल्प होंगे और किसी एक विकल्प का आपको चयन करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार
आप लोग परीक्षा कक्ष में जाने के बाद इस तरह से माहौल बना सकते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ परीक्षा कक्ष में आपके सभी प्रश्न करने हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, नकारात्मक अंक आपको नहीं दिए जाएंगे, इसलिए आप सभी प्रश्न करिएगा, कोई भी प्रश्न मत छोड़िएगा। यदि आपको संशय लग रहा है तो मन में जय माता दी नाम लीजिएगा और क्वेश्चन को पूरा करिएगा, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, जब किसी परीक्षा में अंक नकारात्मक अंक के प्रावधान न हो तो वहां पे सभी प्रश्न जरूर करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपका विकल्प सही हो जाए तो आपके मार्क जुड़ जाएंगे। इसलिए आप प्रश्न मत छोड़िएगा, आप सभी प्रश्न को करिएगा और भाषा में ध्यान दीजिएगा। आपके जो प्रश्न पुस्तिका होगी उसमें तीन लैंग्वेज होंगे, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी। जो आपका लैंग्वेज होगा उसे ध्यान से देखिएगा और उत्तर पुस्तिका में उस सीरीज को और उस भाषा को चयन करने के बाद आप उसी भाषा का उत्तर दीजिएगा। पांच खंड है, पांचों में 30-30 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य है और सभी प्रश्न करिएगा, कोई प्रश्न मत छोड़िएगा, क्योंकि नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। और कुछ लोग कहेंगे सर ये तो क्यों कह रहे हैं, मुझे मैंने पढ़ा है, विश्वास किया है, तुक्का क्या होता है, तुक्का वाली वीडियो एक बार पुनः देख लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर विकल्प बी और सी होते हैं, तो लगातार बी लगातार सी लगाएगा, हो सकता है आपके 10 या 8 क्वेश्चन और आप गेन कर जाए और आगे कर जाए, क्योंकि जो जीत हार का अंतर होता है वो केवल 4 से 5 नंबरों का होता है, 2 नंबर से लेकर 5 नंबर के बीच, तो अभ्यर्थी वही सबसे ज्यादा मशक्कत होती है, बाकी 70-80 तक सब पहुंचते हैं, 85 तक सब पहुंचते हैं, लेकिन मेन लड़ाई 75 से 82 और 85 से 90 के बीच होती है। इसलिए आप डरिएगा मत, पूरे हिम्मत पूरे मनोबल के साथ परीक्षा हाल में डटे रहिएगा। और मैं ये समझता हूँ आप जो सरकार ने आपके लिए 150 मिनट दिए हैं, आप मेरे हिसाब से 90 मिनट में सारे पेपर को खत्म करके सॉल्व करके आराम से बैठेंगे और परीक्षा का दुल्प उठाएंगे, एक मनोरंजन की तरह परीक्षा को सॉल्व करें, मतलब मनोरंजन की तरह यह परीक्षा आपको लगेगा। इसलिए आप एक आध प्रैक्टिस से सॉल्व करिएगा, यह देखिएगा किस खंड में आपको समय टूट रहा है, समय प्रत्येक खंड में कितना कितना लग रहा है, जिस खंड में समय ज्यादा लग रहा है उस खंड को सबसे लास्ट में सॉल्व करिएगा, जो खंड आपके लिए सरल हो उस खंड को पहले आप सॉल्व करिएगा और एक दूसरे की मदद कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक मदद से किसी की जिंदगी बन जाए, इसीलिए किसी की जिंदगी और अपने समय से बहुत बहुमूल्य है। अनुशासित रहिएगा, किसी प्रकार की भड़काऊ भाषण अफवाहों पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि किसी प्रकार की हतोहत नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, सरकार पूरी तरह से तत्पर है यह परीक्षा पूरी ईमानदारी से कराने के लिए। मैं ये मानता हूँ परीक्षा पूरी शांति ढंग से पूरे प्रदेश में संपन्न होगी और इस वर्ष की यह सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है, इसलिए आप सभी लोग अपने आप से दम तैयार रहिएगा लड़ने के लिए, जीत तो आपकी होनी है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। और एक बात, उत्तर पुस्तिका पूरा भरने के बाद एक बार पुनः मिला लीजिएगा कि कहीं उत्तर पुस्तिका में कोई गलती तो नहीं हुई है, यदि कहीं गलती हुई हो तो उसे आप सुधार नहीं सकते। इसलिए 1 से 2 बार बेशक आपका समय 5 से 10 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन उत्तर पुस्तिका जो है OMR को इसमें भर्त को भरते समय पूरी तरह सावधानी बरतनी है आपको, अगर इसमें सावधानी नहीं बरतेंगे समस्या आपके लिए हो जाएगी। और पूरा प्रश्न सॉल्व करने के बाद नीचे अंकों में लिखना है शब्दों में आपने कितने प्रश्नों को टच किया या कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, तो याद रखिएगा आपको 150 प्रश्न पूरे अटेम्प्ट करने हैं। इस बात को विशेष रूप से मैं बल दे रहा हूं कि प्रश्न मत छोड़िएगा, वरना आप अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। इसलिए आप जब भी लिखिएगा कि मत लिखिएगा 150 प्रश्न, हो सकता है कहा छोड़ दीजिए, छोड़िएगा मत, क्योंकि आपका नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं, इसलिए प्रश्नों को करिएगा और नीचे लिखिएगा अंकों में 150 प्रश्न और हिंदी में और अंकों में 150 प्रश्न, जितने प्रश्न आपने अटेंड किए, जैसे कि पॉलिटेक्निक एग्जाम में होता है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ, यदि कोई समस्या कोई प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं पुनः बता दूं आपको साथ लेके क्या जानी है, 2 ID लेके जानी है, 1 ID अपने पास रखिएगा जिसका जिक्र आपने आवेदन फॉर्म में किया था, दूसरा एक अतिरिक्त ID लेके जाइएगा और फोटो अगर हो सके तो लीजिएगा कि आपकी ये सुविधा रहेगी, फोटो अपने साथ रखिएगा, और ओरिजिनल मार्कशीट अगर आपके पास है तो ओरिजिनल मार्कशीट, वरना अटेस्टेड कॉपी नेट से निकलवाने का अटेस्टेड होनी चाहिए और प्रवेश पत्र आपके साथ होना चाहिए, बाल ब्लैक, क्योंकि अभी सरकार ने हाल ही में जारी किया है कि आपको केवल ब्लैक बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है, तो यही पेन आपको इस्तेमाल करना है, 1 घड़ी और कुछ पैसे होने चाहिए, किसी प्रकार कोई कागज अनुचित साधन नहीं होना चाहिए और इतनी चीजें आपके साथ होनी चाहिए, आप इतना चीजें लेकर जा सकते हैं। और यदि किसी व्यक्ति विकलांग है या उनके लिए किसी व्यक्ति की जरूरत हो, इंटरेस्ट से कम हो, आपके प्रवेश पत्र में उसका जिक्र किया गया है, उससे आप ले जा सकते हैं और उसके लिए आपको कॉलेज प्रशासन से पहले बात करनी होगी और उसके सर्टिफिकेट बनेगा, उसके पास उसका भी सर्टिफिकेट लेके जाना होगा,
बस इतनी तैयारी है, बाकी तो आप लड़ने के लिए तैयार हैं, आप इंतजार में हैं कब 18 तारीख आए, कब 10 बजे माने कब युद्ध की घड़ी आए, कब युद्ध मैदान में जाए और आप अपना दमखम प्रदर्शित करके जीत जो अभी संभावनाओं पर टिकी है वो अपने झोली में डाले। इसलिए आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, मैं भगवान से यह कामना करूंगा कि आप सभी इस युद्ध में जरूर सफल हो ताकि आप अगले युद्ध के लिए तैयार रहे, और इस युद्ध में अगर जीत होती है अगला युद्ध के लिए आपके पास 40 दिन बचते हैं, जीत आपकी होगी। और फिर प्राथमिक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए मैं ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज में चलाऊंगा, अगर आपको बेहतर लगता है मेरे साथ जुड़ना तब मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मैं इस बार जो परिणाम दूंगा यूपीटेट में मैं अपनी कोचिंग संस्थान से वह भी एक इतिहास होगा। अभी तक के आपने बहुत बड़े बड़े कोचिंग संस्थान देखे होंगे, इस छोटी सी गुरुकुल कुटिया को भी देखिएगा, यहां से कितने सितारे इस बार आकाश में चमकेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं अपने सभी स्मार्ट कोचिंग क्लासेज के सभी अभ्यर्थियों मुझसे जुड़े हुए सभी जन को सभी अभ्यर्थियों को मैं तहे दिल से ढेर शुभकामना देता हूँ। साथ में सभी अभ्यर्थियों को जो मुझसे नहीं जुड़े हैं, जिन तक मेरा संदेश नहीं पहुंच सकता है, उन तक भी मैं अमोघ रूप से मैं अपना संदेश पहुंचाता हूँ कि वह भी सफल हो। ऐसे शेयर करिएगा क्योंकि यह आपके साथ साथ सभी अभ्यर्थियों की समस्या है, और अगर वो समस्या समझ जाएंगे कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतर होगा। तो पुनः आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आप इस परीक्षा में सबसे बेहतर करके आइएगा। जय हिंद, जय भारत।